नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले भाई की जो किंग्स इलेवन पंजाब की टीम है उनके टीम है ऑलराउंडर्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी कमी है और उनके पास अच्छे तगड़े ऑलराउंडर नहीं हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले भाई कि ऐसा कौन सा ऑलराउंडर है जिसे किंग्स इलेवन पंजाब की टीम भाई अगर खरीद ले तो उनका जो भाई टीम है एक मजबूत बन जाएगा और उनकी भाई बेजान टीम में एक अच्छी जान लौट आएगी वापस से इस ऑलराउंडर के आते ही। और दोस्तों भाई अगर बात करूँ इस ऑलराउंडर की तो भाई ये काफ़ी स्टार ऑलराउंडर है। इन्होंने भाई IPL खेला है, IPL में इनका रिकॉर्ड अच्छा है, काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, गेंदबाजी करते हैं और भाई इन्होंने जो है अपनी टीम के लिए अच्छा खासा जो है प्रभावित किया है सभी फैंस को। और भाई अगर बात करूं क्रिकेटिंग की तो भाई इनमें अच्छी खासी टेक्निक है। और दोस्तों भाई ये IPL 21 के लिए अवेलेबल रहेंगे ऑक्शन में। दोस्तों भाई काफी कुछ है इस वीडियो में बात करने के लिए, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियो को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और भाई सबसे बड़े फैन है आप किंग्स इलेवन पंजाब के और भाई KL राहुल के, सपोर्ट करते हैं आप इस टीम को, तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको जो रोजाना और हमेशा अपडेट मिलती रहे IPL से जुड़ी हुई और भाई किंग्स इलेवन पंजाब की टीम से जुड़ी हुई। दोस्तों पहले हम बात कर लेते भाई इनके रिकॉर्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें भाई T20 इंटरनेशनल और IPL मैचों की तो भाई इन्होंने T20 इंटरनेशनल में कुल खेले हैं 76 मैच, जहाँ पे भाई अगर बात करूँ उनकी बल्लेबाजी की तो इन्होंने जो भाई 1500 से ज़्यादा रन बनाए हैं और भाई इनका जो हाईएस्ट स्कोर रहा है 84 रन आने के T20 भाई इनका शतक नहीं है क्योंकि भाई ऑलराउंडर हैं और भाई मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आते हैं तो सेंचुरी ना होना भाई यहाँ पे लाजमी है। लेकिन इनकी स्ट्राइक रेट की बात करो भाई तो उनका जो स्ट्राइक रेट है 123 का स्ट्राइक रेट है, तो काफ़ी अच्छा स्ट्राइक रेट पर माना जा रहा है T20 क्रिकेट में। और भाई इनका जो एवरेज है 23 का एवरेज है T20 के लिहाज से भाई एक अच्छा एवरेज माना जाता है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें भाई IPL की तो IPL में भाई इन्होंने 63 मैच खेले हैं, यहाँ पे भाई इन्होंने 46 इनिंग में बल्लेबाजी की है। जी हाँ दोस्तों, और भाई वहाँ पे इन्होंने जो खेला है इनका जो भाई हाईएस्ट रहा है 66 रन और एवरेज भाई इनका 21 का रहा है। जहाँ की बात करूँ स्ट्राइक रेट की तो भाई T20 इंटरनेशनल से ज़्यादा इनका स्ट्राइक रेट है, 126 का स्ट्राइक रेट माना जा रहा है। दोस्तों ये तो बात होगी भाई इनकी बल्लेबाजी की, लेकिन एक बात करूँ भाई इनकी गेंदबाजी की तो भाई गेंदबाजी में जो IPL में इन्होंने खेले हैं 63 मैच, वहाँ पे इन्होंने 62 इनिंग में जो है गेंदबाजी की है और भाई यहाँ पे जो इन्होंने विकेट झटके हैं 59 विकेट झटके हैं, तो काफ़ी जो है भाई यहाँ पर एक अच्छी इनकी जो बॉलिंग है देखने को मिल रही है। और बात करें भाई इकोनॉमी की तो 7 की इनकी इकोनॉमी है और एवरेज भाई इनका 28 करा है गेंदबाजी में, तो भाई ऐसे में जो गेंदबाज है काफ़ी अच्छा हो सकता है पंजाब टीम के लिए। और भाई इनका जो नाम है दोस्तों, इनका नाम है साकिब अल हसन। जी दोस्तों, भाई साकिब अल हसन बांग्लादेश का ऑलराउंडर है और भाई KKR टीम से खेल चुके हैं IPL। अब दोस्तों भाई हाल ही में जो है इनके ऊपर लगा था बैन ICC की तरफ से, तो भाई इनको जो है अब रिलीज कर दिया गया, इनके ऊपर जो बैन है वो हटा दिया गया है। तो ऐसे में दोस्तों भाई जो साकिब अल हसन है वो IPL खेल चुके हैं, उनको तजुर्बा है IPL का, T20 मैचों का और भाई बांग्लादेश की तरफ से अच्छी खासी जो है बैटिंग भी करते हैं, गेंदबाजी भी करते हैं, भाई टीम की कप्तानी भी इन्होंने की है। तो भाई ऐसे में साकिब अल हसन का टीम में आना जो है एक मैच में और भाई प्लेइंग 11 में जान फूंकने वाली बात होगी। लेकिन भाई क्या IPL के ऑक्शन में किंग्स इलेवन पंजाब की टीम इनमें रुचि दिखाती कि नहीं दिखाती है, ये देखने वाली बात होगी। और बात करें भाई साकिब अल हसन की तो भाई इन्होंने जो है सनराइजर्स हैदराबाद और KKR की तरफ से भाई खेल लिया है IPL और IPL में इनका तजुर्बा काफी अच्छा रहा है। तो दोस्तों भाई आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या साकिब अल हसन को टीम में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए बतौर एक ऑलराउंडर, क्योंकि भाई किंग्स इलेवन पंजाब की टीम में एक ऐसे ऑलराउंडर की कमी है जो कि आके भाई उनको बल्लेबाजी करके दिखा सके और भाई गेंदबाजों में जो अच्छा कमाल दिखाए। दोस्तों भाई आपका क्या कहना है साकिब अल हसन के बारे में, आप भी जो हमें कमेंट करके बताइए। और दोस्तों भाई अगर बात करूँ IPL ऑक्शन की तो भाई फरवरी में जो हमें IPL ऑक्शन देखने को मिलेगा ठीक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बाद। दोस्तों ऐसे में भाई एक मेगा ऑक्शन में देखने को मिल सकता है क्योंकि जो दो नई टीमें हैं वो आने वाली हैं, लेकिन जिसको लेकर भाई BCCI मीटिंग है वो रखा गया है 24 दिसंबर 2020 को। तो भाई BCCI की मीटिंग के बाद पूरा जो है निर्णय हमें साफ हो जाएगा कि IPL का ऑक्शन कब होने वाला है, कब होगा IPL 2021 और भाई कहाँ पर होने वाला है IPL 2021, यानी कि जो वेन्यू है वो प्री डिसाइडेड वेन्यू क्या रहेगा हमें पूरी तरीके से पता चल जाएगा BCCI के इस मीटिंग में। लेकिन तब तक दोस्तों भाई आप हमें बताते रहिए कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस ऑलराउंडर को आप कितना रेट देते हैं अपनी इस टीम में, क्या इन्हें शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए पंजाब की टीम में, आप जो हमें कमेंट करके बताते रहिएगा। दोस्तों भाई आपके कमेंट का हमें रहेगा इंतजार। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई सबसे बड़े फैन है आप किंग्स इलेवन पंजाब के KL राहुल की, भाई सपोर्ट करते हैं इस टीम को, तो भाई फिर से एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करते रहिए, बस ताकि भाई जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।